ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ, ਜਾਂਬੋ ਕੇਨੀਆ, ਆਪ ਸਬਕਾ ਆਪਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਦੋਸਤ, ਆਪਕੀ ਹੋਸਟ ਕੁਦਰਤ। ਤੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਜੋ ਆਜ ਕੀ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਮੈਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਕਰੀਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਮੈਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇਸ ਮੇਕਅਪ ਲੁੱਕ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੀ ਵੀ ਵੈਡਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇ ਜਾਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿ ਆਪਕੋ ਆਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲਗੇਗੀ। ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲਗੀ ਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੀਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਰ ਤੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੀਜੀਏਗਾ, ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੀਏਗਾ। ਤੋ ਚਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਦੇਖ ਲੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕੀ ਲੁੱਕ ਮੈਨੇ ਕੈਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਚਲੋ ਬੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਤਰਫ। फ्रेंड्स, मैंने अपना सी टी एम कर लिया था। आज मैं बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से बैठकर मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट की है और बड़ी मुश्किल से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि वॉइस ओवर रहने देती हूँ, बट मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक्सप्लेन करना होता है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने लिया था फोकल्यूर का क्रीम जेल है ये। यहाँ पर मैं मेबिलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। शेड वगैरह जो होंगी मैं मेंशन कर दूँगी। ये थोड़ा वाइटिश है तो इसको मैं अपने आईलिड पे लगाऊंगी, लेकिन इनर साइड जो आईलिड की साइड पर जो बॉर्डर लाइन है आईब्रोज़ की, उसको भी मैं इसी के साथ ही नीट करूँगी। आज मैं थोड़ा वाइटिश ही यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए कि ताकि जो भी मैं शेड्स अप्लाई करूँ वो उभर कर आएँ। उसके बाद मैं फिंगर की हेल्प के साथ इसको ब्लेंड कर लूँगी। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैं फिंगर की हेल्प के साथ ही ब्लेंड करती हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी जो वॉर्म्थ होती है फिंगर्स में, जो गर्माइश होती है आपकी बॉडी की, उसके साथ ये जल्दी से ब्लेंड हो जाता है। तो उसके बाद मैंने अगेन मेबिलिन का कंसीलर लिया था मेरी स्किन टोन से मिलता हुआ, तो वो मैं अपर साइड पर अपनी आईब्रोज़ के अपर साइड पर लगा रही हूँ। अगर बोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो सॉरी गाइज, मैं बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेबिलिन का ट्रांसलूसेंट कॉम्पैक्ट लिया था, उसके साथ मैंने इस कंसीलर को सेट किया है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं होता इस कॉम्पैक्ट में। तो उसके बाद मैंने ये मॉर्फी ही है, तो उसका ये ड्यूप पैलेट है लेकिन इसका नेम नहीं है, पता नहीं क्या है इसका नेम। तो उसके साथ उसमें से मैंने ये वाली शेड ली थी और मैंने ट्रांजिशन शेड बनाई थी। थोड़ा आउटर की साइड पर मैं आज लेकर जा रही हूँ। आज मुझे थोड़ा कट क्रीज बनाना है। आज मैं कट क्रीज तो बना रही हूँ लेकिन मैं बहुत मतलब इजी और सिंपल रखने वाली हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो उसके बाद मैंने ये ऑरेंजी शेड ली थी, इसको भी मैंने क्रीज लाइन पर अप्लाई किया था। आपको पूरी तरह इसको ब्लेंड नहीं करना है, इसी तरह आपको देना है कि आपकी दोनों शेड्स जो हैं वो दिखाई दें, और इस तरह आप लगाएं प्रिसाइज्ड ब्रश की हेल्प के साथ और इसको साथ साथ ही आप ब्लेंड करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर एमएन का कंसीलर लिया था, उसके साथ मैं अपनी जो कट क्रीज है वो कर लूँगी। इस तरह आपको अपनी कट क्रीज करनी है। आज मैं डबल कट क्रीज आपको जो है वो सिखाने वाली हूँ। को यहाँ पर मेरे फेस पर भी आज दिख रहा होगा कि कैसी मेरी कंडीशन है। बड़ी मुश्किल से बैठी थी मैं, तो क्योंकि मुझे जाना है, एक फंक्शन अटेंड करना है, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा वीडियोज़ अपलोड करना। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो अपलोड कर दूं जल्दी से। तो इस तरह आपको अपनी कट क्रीज बना लेनी है। देख रहे हैं आप कि मैंने कैसे अपनी जो क्रीज है उसको कट किया है। तो यहाँ पर मैं एले गर्ल का जेल जो है लाइनर ले रही हूँ। ये लाइनर जो है मतलब बहुत जल्दी ही स्मज हो जाता है, इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। तो इसके साथ मैं जो है आउटर वी पर जो है इसको इस तरह अप्लाई करूँगी। तो पहले मैंने जो ब्रश लिया था जो मुझे वो थोड़ा थिक लगा, तो मैंने अगेन अपना ब्रश को मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत ही प्रिसाइज्ड ब्रश चाहिए था। तो इस तरह आप अपनी आउटर वी पर इसको अप्लाई करें। इसको जॉइन नहीं करना है, जो आपने कट क्रीज अपर साइड पर बनाई है उसके साथ आप इसको जॉइन ना करें बिल्कुल भी। तो आप देखें कि मैं कैसे इसको अप्लाई कर रही हूँ। आपको एक अलग ही जो है आउटर वीप की साइड पर अलग ही आपको आई शेडो लगानी है। जो मैं आज आई शेडो बता रही हूँ बहुत ही इजी है क्योंकि इस पर ग्लिटर भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं।
यूज़ होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है जो ब्राइडल होती हैं, क्योंकि मैं आज ये जो लुक कर रही हूँ, एक ईद मेकअप लुक कर रही हूँ, तो ईद में इतना कोई हैवी मेकअप नहीं करता है, तो जस्ट इसलिए मैंने जस्ट आपको डबल कट क्रीज सिखाया है और जस्ट नॉर्मल और ईजी सिखाया है, तो बहुत ज़्यादा कोई ग्लिटरी वगैरह हैवी लुक नहीं आपको मैंने बताई है। तो अगेन मैंने सेम पैलेट में से ब्लैक शेड ली थी, तो इसके साथ मैं अपने जेल लाइनर को सेट कर लूँगी, क्योंकि नहीं कोई भी आप जेल लाइनर अप्लाई करें या काजल अप्लाई करें, उसको पाउडर के साथ आप ज़रूर सेट करें। तो आपको इस तरह जहाँ जहाँ आपने लगाया है जेल लाइनर, वहाँ पर लगाकर आप उसको सेट कर लें। यहाँ पर मैंने यूज़ किया था मैक का फिक्स प्लस, तो सेम पैलेट में से मैंने शैम्पेन शेड ली थी, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो आप कोई भी गोल्डन शेड ले सकते हैं या सिल्वर शेड ले सकते हैं, एज योर चॉइस। तो इस तरह आपको लगाना है, उसके बाद थोड़ा सा जो ब्लैक शेड आपने लगाई है वो दोनों को ब्लेंड कर दें। तो मैंने यहाँ पर अपनी दोनों आईज का जो है मेकअप कर लिया है, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मैक का कंसीलर पैलेट, उसमें से ये मैं पीची शेड लेकर अपने जो माउथ के आसपास के डिसकलरेशन है, और थोड़े से मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में दिखाया था, थोड़ा सा मेरे पिंपल्स के मार्क्स हल्के हल्के से हैं, तो थोड़े दिनों पहले मेरे पिंपल्स हो गए थे छोटे 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 छोटे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो स्पॉट्स हो गए हैं, तो उसको भी मैं जो है इसी के साथ ही कंसील कर लूँगी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन, और मैंने यहाँ पर यूज़ किया है नीविया का मॉइस्चराइज़र। मैं थोड़ा सा इसमें नीविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इस फाउंडेशन को फिर भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसमें मॉइस्चराइज़र मिक्स कर सकते हैं। तो मेरी स्किन जो है कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर वेदर अभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, तो उसकी वजह से स्किन जो है ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र जो है मैंने मिक्स किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो जो बेस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद मैंने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ इस फाउंडेशन को जो है ब्लेंड कर दिया है। तो अगेन मैंने MN का कंसीलर लिया है, और जहाँ जहाँ भी मुझे अपने फेस को हाईलाइट करना है वहाँ मैं इसको अप्लाई कर लूँगी, अंडर आइज, नोज़, चिन पर, अपने होलोज के चीक्स के नीचे, जॉ लाइन के ऊपर, जैसे मैं जस्ट एज यूजल अप्लाई करती हूँ वहाँ पर ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ये कंटूरिंग शेड ले रही हूँ, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि कौन सा ब्रांड है ये, कौन सा क्या नेम है, जो भी होगा मैं मेंशन कर दूंगी, आज मेरा बिल्कुल ही ना माइंड काम नहीं कर रहा है। तो इसके साथ मैं अपने फेस को कंटूर कर लूँगी, जहाँ जहाँ भी मुझे अपने फेस के पॉइंट्स को दबाना है वहाँ पर मैं इसको लगा लूँगी। अब मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ पहले अपने कंसीलर को ब्लेंड करूँगी, उसके बाद ही मैं अपनी कंटूरिंग को ब्लेंड करूँगी। तो मैंने यहाँ पूरा नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, तो जस्ट एज यूजुअल मैंने आपको बता दिया पहले कंसीलर ब्लेंड करें, उसके बाद आप अपनी कंटूरिंग शेड को ब्लेंड करें। तो मैं भूल गई थी फ्रेंड्स, मैंने प्राइमर भी अप्लाई किया था फाउंडेशन से पहले, वो जस्ट मिस हो गया पार्ट, और अगेन मैंने यहाँ पर अभिनय का बनाना पाउडर लेकर जहाँ जहाँ भी कंसील किया था वहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया। तो आज मैं यहाँ पर मिस रोज़ का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अच्छा लगा मुझे ये कॉम्पैक्ट। तो इसके साथ है जो भी मैंने बेकिंग के लिए पाउडर लगाया था उसको भी डस्ट आउट कर दूंगी, और इसी के साथ मैं अपने फेस को भी सेट कर लूंगी। यहाँ पर मैं मिस रोज़ का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो इसके साथ मैं अपनी ब्रोबोन को पहले हाइलाइट करूंगी। अब मैं ये ले रही हूँ एले गल के पिंक के पैलेट में से ब्राउजिंग शेड, तो मैं जहाँ पर मैंने कंटोर क्रीम कंटोर किया उसके ऊपर ही मैं लगा रही हूँ, मैं पाउडर कंटोर नहीं कर रही हूँ। इसी के साथ मैं अपने क्रीम कंटोर को सेट कर लूँगी। अब मैंने अगेन वही ऑरेंजी शेड ली है जिसको मैं लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ वही ब्लैक वाली शेड, तो इसको भी मैं अपनी जस्ट लोअर लैश लाइन के बिल्कुल पास पास लगा रही हूँ जस्ट एज अ काजल। अब मैं अगेन वही मिस रोज का हाइलाइटर लेकर अपनी इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर लूंगी। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मिस रोज का ब्लशर, मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ लेकिन ये बहुत ही नेचुरल लुक देने वाला है। अगेन मैं मिस रोज़ के हाइलाइटर के साथ अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स को जो है मैं हाईलाइट कर लूँगी। यहाँ पर मैं सेम अलग अलग जेल लाइन के साथ अपने वाटर लाइन और टाइट लाइन पर इसको लगा लूँगी। आई लैशेज को कर्ल करने के बाद मैंने यहाँ पर फोकलियर का मस्कारा लिया है, उसके साथ मैं अपने अपर एंड लोअर लैशेज को कोट कर लूँगी।
अगेन मैंने जेल लाइनर के साथ थोड़ा सा मैंने ऐसे लाइनर लगाया था ताकि जब मैं फॉल्सेस लगाऊं तो वो अच्छी तरह लग जाए। थोड़ा मैंने इनर साइड पर थोड़ा विंग भी निकाला था। अगेन मैंने ये वाला ब्लशर यूज़ किया था, वो ब्लशर मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब सूट नहीं कर रहा था इस मेकअप के साथ, तो थोड़ा मैंने ये वाला पीची टोन का लिया है, तो इसके साथ मैं ब्लश ऑन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हुडा की लिपस्टिक यूज़ की थी, तो मैं बता दूँगी शेड जो भी होगी मेंशन कर दूँगी। लिपस्टिक के बाद इसके साथ ही लिप ग्लॉस आता है, वही मैंने लिक्विड लिपस्टिक तो वही मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया था। मैक के फिक्स प्लस के साथ अपने फेस को मैं सेट कर लूँगी। हेयर इज़ द फाइनल लुक फ्रेंड्स, देखिए कैसी लगी आपको ये लुक। मुझे तो बड़ी प्यारी लगी, एज़ अ यूजुअल से आप बोलेंगे हमेशा इसको लुक अच्छी लगती है, जो भी हम क्रिएट कर लेते हैं वो हमें अच्छी लगती है पर्सनली। तो आप भी ज़रूर बताएं कि ये लुक आपको कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो, लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंटिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।